नर्मदा क्षेत्रपाल मंदिर में मेले का उद्घाटन, आज निकलेगी गंगाजल कलश यात्रा और भगवान की पालकी। सागवाड़ा खड़गदा मोरन नदी के किनारे पर स्थित भगवान श्री क्षेत्रपाल जी के मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह मेले का शुभारंभ हुआ। शनिवार को गंगाजल कलश यात्रा और भगवान की पालकी निकाली जाएगी, जो मेले का मुख्य आकर्षण रहेगा। शुक्रवार सुबह गांव के भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो होली चौक होते हुए भगवती माता के मंदिर पहुंची। यहां दर्शन के बाद शोभा यात्रा ग्वाल चौक से बस स्टैंड होते हुए भगवान श्री क्षेत्रपाल जी के मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर के संस्थापक नाथुर दादा भट्ट और मेला संस्थापक पंडित नंदलाल दीक्षित की समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद निरंजनी अखाड़े क्षीरेश्वर के महंत हर गोविंद पुरी के हाथों मेले का शुभारंभ किया गया। मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष शशिकांत पुरोहित ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए दुकानें भी लगाई गई हैं। मेला संयोजक अनिल पुरोहित ने बताया कि दिन भर हनुमान चालीसा के 108 पाठ और विश्व शांति कामनार्थ हवन हो रहा है। 16 अप्रैल को पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 7:30 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ होगा। शाम 3 बजे मंदिर से 1001 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।